यू आर ऑल फाइन और हम सभी बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज मैं आपके लिए जो है वो एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। और ये हम बना रहे हैं चिकन शिनवारी। उसके इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें, 1 किलो मुर्गी, 1 टीस्पून काली मिर्च, ये अपने आप टेस्ट के मुताबिक ऊपर नीचे कर सकते हैं, 6 से 8 हरी मिर्चें जिसको मैंने छोटा बड़ा काट लिया है, उसके बाद गार्निश के लिए भी रखी हुई है, इसमें 10 से 15 भी ऐड कर सकते हैं लेकिन बाकी मैं गार्निश के टाइम डालूंगी। ये मैंने अभी घी रखनी है, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला, लहसुन और अदरक का जो है वो ग्राइंड करके उसका पानी पोन लिया है मैंने, इसको मैंने रख दिया रेडी करके, 8 से 10 टमाटर इसके मैंने छिलके उतार के और बीज निकाल के इसको दो हिस्सों में काट लिया है, 2 लेना ठीक है। और ऑयल जो है वो मैंने गरम करने के लिए रख दिया है, 1.5 कप ऑयल है, इसमें ऑयल ज़्यादा डलता है और ऑयल आपने ज़्यादा ही डालना है, तो ये मैंने गरम करके रख लिया। अब इसमें मैं ऐड करूँगी चिकन, देखिए इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ, बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मैं अपने प्याज से डाल रही हूँ और ये पिंक पिंक जैसे इसका कलर है अभी, आपने इसको जो है वाइट होने तक चिकन फ्राई करना, जब इसका कलर जो है वाइट में कन्वर्ट हो गया तो फिर आपने इसमें जो है चीज़ें ऐड करनी जिसको फ्राई करना है अच्छे तरीके से। और साथ ही इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे जो आपको दिखाया था, जिसमें लाए रखा है, हम इसको फ्राई करेंगे। बहुत हल्के हाथों से करना है इसको, क्योंकि ये देखो मेरा वो पैर का जो कलर चेंज जब हो गए फिर इसमें स्पाइसेस ऐड करने, ये देखो पिंक से वाइट हो गया, मैंने इसमें ऐड करी है ग्रीन चिली जो कि छोटी बड़ी काटी है, इसमें साइज का कोई इशू नहीं है, अगर तीखी है तो ज़्यादा डाल लें और अगर तीखी है तो आप कम भी कर सकते हैं, जिसमें वायरा ना। अब इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट फ्राई कर लें, जब तक ये इसमें फ्राई हो जाएंगे फिर इसमें हम लोग जो लहसुन और अदरक का पानी ग्राइंड करके इसको पोन लिया उसको मैंने इसमें ऐड कर लें। हमारी जो लेते हैं वो फ्राई हो चुकी हैं, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, लेकिन कलर भी बहुत ही प्यारा आ रहा है। अब इसमें जो है मैं ऐड करूँगी जिसमें लाइब्रह लहसुन जिंजर गार्लिक का पानी जो मैंने इसको भून के रखा हुआ था ग्राइंड करने के बाद, और मैं इसमें ऐड करी इसमें लाइब्रह, याद रखिएगा इसमें पेस्ट नहीं डालना, इसमें जिंजर और गार्लिक का जो है वो सिर्फ पानी यूज़ करना, ये देख सकते हैं। अब इसको हम लोग 2-3 मिनट फ्राई करेंगे इसमें, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, ज़्यादा देर फिर 2 से 3 मिनट हमें इसको तेज़ आँख पे भूनना है, इसको 5-6 मिनट अच्छे से बॉईल आ जाए। आपने हल्के हाथों से डाला, अब इसमें मैंने ऐड कर देना है टमाटर जो मैंने छिलके उतार के बीज निकाल के काट के रखे थे, इसको डाल देंगे इसमें डायरा पानी का, मैंने 8 से 10 टमाटर लिए हैं दरमियाने साइज के, लोग छिलके समेत भी डाल देते हैं वो भी सही है, तो लेकिन मैं जो है इस चीज़ की बहुत केयर करती हूँ, छिलका जो है और बीज में इसको बिल्कुल भी नहीं डालती ना छिलका ना बीज। अब इसको हम लोग मीडियम से लो फ्लेम पे पकाएंगे, इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बता दूँ। ये देखिए मैंने इसमें जो है वो ब्लैक पेपर ऐड किया और गरम मसाला, इसको मिक्स कर लेंगे
हल्का सा भून लो। थोड़ा ज़्यादा भूनना नहीं है, जब इसमें ये ब्लैक पेपर और ये डालनी है गरम मसाला, तो थोड़ा सा ही भूनना और इसको फिर बंद कर देना। अब इसमें मैं डालूंगी लेमन स्लाइसेस, बिल्कुल बाजार जैसी शनवारी का रस मज़ेदार तैयार है। ये देखिए इसमें एकदम खा लेगा। अदरक मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं डाल रही, और जो मैंने आपको बताया था कि तीखी ना हो मिर्चें तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब जो बाकी की मैंने दिखाई थी ये भी मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। ठीक है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी, ये देखें तेल माशाल्लाह कितना प्यारा आ गया ऊपर, और आप देख सकते हैं माशाल्लाह रेडी है। मैं ऐड करूँगी हरा धनिया, आप चाहे ज़्यादा करें, आप कम आपकी मर्जी, हम लोग ज़्यादा खाते हैं, इससे ये गरम मसाला भी भर जाएगा। अच्छा तो ये देख सकते हैं। अच्छा अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई और ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपनी जो है राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो तो अभी जाके प्रेस करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और वीडियो को लाइक करें। अपनी गाँव में याद रखिएगा, मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।